नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉकिंग। दोस्तों, सहारा इंडिया के मामले में अभी मैं तकरीबन 2 महीने बाद अपने गांव पटोरी समस्तीपुर आया हूं, तो यहां पे 8 लेटर हमारे पास आया हुआ है जो कि सरकार के विभिन्न अथॉरिटी ने हमें भेजा है। आज केवल मैं इसको इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये केवल 2 महीने का रिकॉर्ड है, 2 महीने के अंदर इतनी चिट्ठियाँ हमारे पते पर आई हैं। और ये दिखाने का कारण ये है कि हमारे पास आज से तकरीबन 2 दिन पहले ही एक महिला साथी का फ़ोन आया दिल्ली से, और उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा बताया हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने पत्र भेजा था और जिसके बाद उनके पास फ़ोन आया। और होता क्या है, फ़ोन आने से आपको खुश होना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से जो कस्टमर केयर वाला आपको फ़ोन करता है वो आपको ये कह देता है कि आपने जो पत्र लिखा है वो अभद्र भाषा है। हालांकि उन्होंने उससे सवाल किया कि इसमें अभद्र क्या है, तो आगे जवाब ये दिया गया कि अभद्र ये है कि आपने लुटेरा लिखा है। तो स्वाभाविक सी बात है, सहारा इंडिया के सुब्रत राय के द्वारा लोगों को लूटा गया तो उसको लुटेरा कहने पे मोदी जी के ऑफिस को इतना चिंता हो रहा है, बताइए। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये लेटर का जवाब आने से क्या मैं भी डर जाता हूँ, और बहुत सारे लोग डर जाते हैं, हमारे पास मैसेज करते रहते हैं जी इस तरह का फ़ोन आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है और इस ये किससे संबंधित है और इससे क्या होगा, क्या ये केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, ये सारी बातों की जानकारी मैं मुश्किल से 5 से 7 मिनट के वीडियो के अंदर दूंगा। और ये बताना इसीलिए है क्योंकि आप बैठे रहिएगा, कम से कम पढ़े लिखे हैं, कम से कम अपना कलम भी नहीं चलाइएगा, तो सीधा मैं यही कहूंगा कि अपना पैसा भूल जाइए। बहुत सारे लोग पहले ही हार मान चुके हैं कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा, तो जो पहले ही हार मान ली है उनको तो कभी नहीं मिलेगा, इस बात को नोट कर लीजिए, और घर बैठे कभी नहीं मिलना है। सबसे पहले ये हमारे पास जो आया है वो जिला लोक सूचना कोषांग से आया है, और इसको मैं 24/6/2023 का लेटर का डेट दिया हुआ है, लेकिन ये आया है 8वें 9वें महीने में आया है। और इसको खोल के मैं दिखाता हूँ कि मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, और सरकार के जो अधिकारी कम से कम काम नहीं कर रहे हैं वो किसी तरह काम करें। और ये हमने एक आरटीआई लगाया था और उसमें जो हमने पूछा था उसी के बाद ये फर्स्ट अपील इधर उधर घुमा रहे हैं, जिसमें कि क्या कार्रवाई किया गया है जिला अधिकारी के द्वारा, उसके लिए आरटीआई लगाया था। आप लोग के उन्हें भी कोई शिकायत वगैरह लगाया है तो काफ़ी आसान तरीका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा कि कोई भी सरकारी विभाग है जहां पे आपने कोई आवेदन लगाया हो, कोई शिकायत लगाया हो, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक आरटीआई लगा करके आप उसका स्टेटस पूछ सकते हैं, जिसके बारे में हमने काफ़ी पहले जानकारी दी है। और वही वाला आरटीआई है, घूम फिर करके इस पर कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, कम से कम जो अधिकारी जाँच नहीं कर रहे थे अभी वो उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख करके, जाँच लिख करके हमें भेज रहे हैं। तो एक तो ये आरटीआई का प्रथम अपील का जो सूचना इधर उधर घूम रहा है उसका एक पत्र हमारे पास आया है, और दूसरा जिला प्रभारी पदाधिकारी जिला लोक सूचना कोषांग, एक तरह से वही लेटर है जो इधर उधर घूम रहा है आरटीआई का ही, और यह भी सेम वही है। उसके बाद हमने एक लोक शिकायत लगाया था, उसमें जो आयुक्त हैं दरभंगा प्रमंडल के, उनका ये लेटर है जो कि उन्होंने अपना जो आदेश दिया है जिसकी जानकारी हमने पहले दी थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख सकते हैं, उन्हीं का ये लेटर है। और ये है कार्यालय विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी वित्त विभाग पटना बिहार, जिसके द्वारा मुझे 12 जनवरी को बुलाया गया था विधानसभा में, उसका ये पत्र है। उसके बाद ये सांस्थिक वित्त निदेशालय, ये जानना काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, खासकर उनके लिए जो लोग बिहार में हैं, और अगर अलग स्टेट में हैं उनके लिए भी बताऊंगा। इसमें जो भी हमने यहाँ पे शिकायत दिया है उसके तहत वित्त विभाग ने बिहार सरकार की तरफ से ये जारी किया गया है जिलाधिकारी को ये लेटर, और ये कहा गया है कि आप BPID एक्ट के तहत कार्रवाई करके जमाकर्ताओं का पैसा लौटाए, और ये पिछले साल भी 2022 में भी जारी हुआ था, और इस पे DM समस्तीपुर के द्वारा कार्रवाई किया जाना है, जिसके तहत सबसे पहले सहारा पर FIR होगा, FIR होकर के विज्ञापन होगा, जो कि इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा DM कार्यालय से इसके बारे में पता करने की कि भैया आपने इस लेटर पर क्या किया। और उसके बाद ये भी जो है आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल, उनका लेटर है।
उसके बाद ये सांस्कृतिक वित्त निदेशालय एक और लेटर है जो कि शायद मुख्यमंत्री के द्वारा वित्त निदेशालय को भेजा गया था और वहाँ से हमारे पास ये एक कॉपी आया है, जिसमें कि ऐसे मैं जनता दरबार में गया नहीं लेकिन अजीत शर्मा जी के पास मैं गया था, जो कि एक बिहार सरकार के अंदर विधानसभा के अंदर एक कमेटी है, प्रत्यायुक्त कमेटी, उनके वो उनके माध्यम से मुझे लगता है ये वाला गया है। और ये काफ़ी पहले का लेटर इन्होंने भेजा है, आरटीआई में जो पूछा था उसी को भेजा है। और इसी में इन्होंने बताया था कि समस्तीपुर में जो है 22 सहारा इंडिया का ब्रांच चल रहा है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारा जो लेटर है वो बिहार सरकार की तरफ से आ रहा है। कम से कम बिहार सरकार काम नहीं कर रहा है तो उनके अधिकारी कम से कम चिट्ठी तो भेज रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के तरफ से जितना भी आज तक चिट्ठी भेजा है उसमें से एक चिट्ठी का भी हमारे पास जवाब नहीं आया। और तो और आरटीआई भी लगाइएगा तो शॉर्टकट में वो जवाब देंगे। हालांकि इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि सरकार पैसा देना नहीं चाहती है, और वो इसीलिए है क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि पैसा मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है। और बहुत सारे लोगों को तो अब समझने की बात है कि एक लेटर लिखने में भी डरते हैं। और ये लेटर मैं आपको इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि मेरा सहारा इंडिया के अंदर पैसा नहीं है, आप लोगों का है, और ये काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक लेटर नहीं लिखा है प्रधानमंत्री को, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगा, चाहे तो आप उसी को डाउनलोड करके सीधे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, और चाहे तो आप उसी के तरह आपको अगर लगता है किसी शब्द से आपत्ति है तो आप अपने हिसाब से उसको लिख करके जरूर भेजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के रिकॉर्ड में तो जाएगा कि इतने लोग हमें पत्र लिख रहे हैं पैसा के लिए। तो उनका सचिव का कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनता है कि अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 चिट्ठी अगर आना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं उनको कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, आप लोग एक आदमी भेजते हैं उसके बाद दूसरे आदमी को नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से काफ़ी कम लोग भेज पा रहे हैं। अगर भेज पा रहे होते तो अच्छा खासा मुद्दा बन गया होता। अब ये देखिए, एक आदमी हमारे पास 2 महीने के अंदर इतना आया, अगर मैं आपको पीछे 1.5-2 साल से जो काम कर रहा हूँ इस पर उसमें दिखा दूंगा तो इतना आपको चिट्ठी दिख जाएगा, कम से कम इतना इतना लेटर आया हुआ है। तो इससे ये तो हो रहा है कि विभाग के पास प्रेशर बन रहा है एक तरह से कि भाई इतना लोग पैसा मांग रहे हैं, हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और उसी के बाद ये सारा कुछ चल रहा है। चाहे वो 5,000 करोड़ देने की बात हो, चाहे अमित शाह जी के द्वारा कम से कम भाषण में 3 लाइन भी बोलने की बात हो, कहीं ना कहीं इसी की वजह से हो रहा है। और कई लोग आपको उल्टा पुल्टा बताएंगे, उनकी बातों में नहीं आना है, और सीधा मैं आपको यही कहूंगा कि कम से कम आप पत्र जरूर भेजिए और सभी लोगों को जागरूक कीजिए। और ध्यान रखिएगा, पैसा आपको कल को तभी मिल पाएगा जब आपका पेपर सेफ रहेगा। कहीं आप कोई साइन कर दीजिएगा कि हमारा फिर से कन्वर्ट कर दिया जाए, इस तरह का कुछ कर दीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है पैसा मिल पाएगा। अभी एक साथी ने बताया, जब हमारे साथ वो आंदोलन में थे, हमारे साथ लेटर पे एप्लीकेशन लिख करके साइन करके भेज रहे थे, ऐसी स्थिति में एक एजेंट आया, 80,000 रुपया उनका था फंसा हुआ, 80,000 जमा किया था, 1,60,000 मिलना था उनको, और उनको कहा कि भाई 80,000 रुपया आपने दिया था, अगर आप 50% पे आप सेटलमेंट करोगे तो हो जाएगा। उन्होंने बोला कि जहां हमारा पूरा पैसा डबुआ हुआ है 50% पर ही लेके हम खुश हो जाते हैं, ऐसे भी अमित शाह जी तो 10,000 की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया 40,000 पे सेटलमेंट कर लिया आपस में एजेंट के साथ, और एजेंट क्या किया 30,000 रुपया उनको आकर के दिया, और देने के बाद कहा कि भाई इतना ही है, इतना में ही लोग खुश हो जा रहे हैं। अब स्थिति ये है क्योंकि लोग हिम्मत हार चुके हैं, और जब तक आप हिम्मत बनाए रखिएगा तब तक कहीं ना कहीं उम्मीद है। दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप प्रधानमंत्री को पत्र जरूर भेजें और इस पत्र को देखिए, मैं भेज रहा हूं, डर नहीं रहा हूं, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें, और साथ ही नीचे workervoice.in जरूर लिखें, हमारे पेज को मेंशन करें, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। और साथ ही अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि एक एक आपको आने वाले समय में अपडेट मिलते रहे। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।